सुनो, यहाँ पर कुआ ऐसा है ना, यो जमीन और कुआ एक लेवल है, लगता नहीं कि कुआ है आगे। तो इसके अंदर गाय गिर चुकी है और सीरियसली सॉरी गाइस, मुझे पता ही नहीं कि व्लॉग चालू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो गाइस, आप सब बढ़िया होंगे मेरे हिसाब से, तो बढ़िया ही रहना है आप सभी को ना। अभी मैं हूँ गांव में, एक बार फोन आपको ले लेता हूँ। तो अभी राइट नाउ मैं आया हूँ गांव में, कल परसों ही आया हूँ, परसों आया हूँ कल बोलो वो चलो बोले कल आया परसों आया ये तो पहले बता दे, तो मैं बता दे तो मैं परसों ही आया हूँ, ठीक है। तो अभी क्या सीन है कि अभी आया गाँव में बिकॉज ऑफ छुट्टियाँ है, समर की वैकेशन चालू है, तो इसलिए आया था मैं। तो अभी क्या सिस्टम है कि यहाँ पर देखो कैसा है ना, यहाँ पर जो अभी आया है छुट्टियाँ बनाने समर वेकेशन में, समर के टाइम, तो यहाँ पर कुछ अलग ही चल रहा है। मतलब यहाँ के वेदर्स कुछ अलग ही नशे कर रहे हैं, देख सकते हो ऊपर क्लाउडी क्लाउडी। मतलब अप्रैल का महीना चालू है, अप्रैल का महीना चालू है ना, अप्रैल का महीना चालू होने वाला है, नहीं जनवरी अप्रैल, हाँ अप्रैल मई का महीना चालू होने वाला है। और यहाँ पर मार्च से ही यहाँ पर बारिश चालू है, सोच लो मतलब मार्च से चालू है, मतलब मुंबई में चालू होती थी, सुबह सुबह होती थी, मार्च को हुई थी, अप्रैल में तो नहीं हुई, मतलब एक दो हुई थी अप्रैल के कोई डेट में, बट मतलब सीरियसली अप्रैल के महीने में बारिश चालू है गाइस, अप्रैल के महीने में बारिश चालू है, वैसी वैसी बारिश नहीं तगड़ी वाली। तो अभी तो क्लाउडी क्लाउडी है, धूप भी नहीं निकला है अभी तक, कल से मैं धूप ही नहीं देखा, मतलब जब से आया धूप ही नहीं देखा हूँ, उस दिन देखा था धूप बट उतना कुछ लगा नहीं। अब भाई समर वेकेशन का, समर का वक्त चल रहा है, तो गर्मी होना धूप होना बहुत ज़रूरी है, तो मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि समर वेकेशन, समर का सीज़न चल रहा है, तो ऐसा है इधर समर। मुंबई में तो नहीं हो रहा है, मुंबई में तो मैं उसी दिन आया, इधर तो कुछ हो ही नहीं रहता, तो मुंबई में नहीं हो रहा है, मुंबई वाले को अच्छा है, बहुत से लोग बोल रहेंगे अच्छा है ना भाई, बारिश हो रहा है उधर गर्मी में, राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, नहीं भाई जो जो सीज़न है उसका मज़ा वो ही दे सकता है, बारिश आएगी तो पूरा मज़ा किड़किड़ा हो जाता है। बाकी क्या अभी बाकी हॉस्टल बोल रहे हैं क्या कर रहा है, तो मैं बता दूँ मैं अभी क्या कर रहा था। मैं अभी आया मैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मतलब अभी कुछ 6 महीने पहले ही इसको साफ़ कराया था, मिट्टी को जेसीबी बुलाकर यानी बुलडोजर बुलाकर साफ़ करवाया था सारा। तो ये वापस ना सूख गए ग्रास, ग्रास घास इसको निकालने, अब निकालने कौन सा मौका होता, वो इतने सारे उग गए हम निकालना तो पड़ेगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि देखो ऐसे जो पेड़ है ना ये कांटे वाले, तो ये कांटे वाले को निकालना है, क्योंकि अगर बारिश हो रही है अभी तो बारिश के चलते और बड़े हो जाएंगे, फिर दिक्कत होगी, तो इसके लिए अभी इनको निकाल रहे नीचे से झड़ तोड़ के कि वापस आगे बढ़ा ना हो, ठीक है, तो इसके लिए हमारा काम हो जाए। तो उसके बाद वो केबल पड़ा है, वो केबल भी वहाँ से लेने का है, मीटर लगाया बाहर साइड, तो उस केबल को यहाँ से लेके यहाँ लाना है, क्योंकि लाइट की ज़रूरत है यहाँ पर अभी भी काम भी चालू नहीं होना था, तो वो सब मैं आपको बाद में आराम से बताऊँगा, ठीक है। मैं करता हूँ इस सब झाड़ निकालने, पापा आने वाले थोड़ी देर में, तो या उसको निकाल के फिर मैं आपको मिलता हूँ। अभी तो नहीं हो रही फिलहाल, कल हुई थी बारिश, तो कुछ क्लिप्स निकालिए बारिश की, देख लेना मैं आपको दिखाऊंगा। इतनी रात को तो अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं खेत में इतनी रात को जाली बांधने, ठीक है, एक जाली मतलब ऐसी जाली होती है ना, ऐसी जाली हम लोग अभी उधर बांधने जा रहे हैं हमारे खेत में, ठीक है, तो इसलिए इतनी रात को जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक कुआ है और एनिमल्स है जैसे कि गाय कुत्ते बकरी वो सब उसके अंदर ना गिर जाए, इसके लिए हम लोग वहाँ पर जाली बांधने जा रहे हैं। तो देख सकते हो कि अभी सब लोग हैं, चाचा है, दादा है, पापा हैं, तो इसके लिए इतनी रात को जा रहे, तो
या जैसे कि आप देख सकते हो कि आगे इतने, तो मैं अभी चाहता हूँ पीछे रह जाऊँगा, इतनी अंधेरा है पीछे फट जा रही है मेरी, तो मैं साथ में चलता हूँ व्लॉग अभी आपको जाने के कंटिन्यू करता हूँ। ठीक सुनिए, यहाँ पर कुआ ऐसा है ना लेवल में, अगर कोई आएगा रात को भी मालूम नहीं पड़ेगा, लाइट नहीं होगा तो सीधा अंदर घुसेगा उस कुएं के अंदर, क्योंकि वो ज़मीन और कुआ एक लेवल है, लगता नहीं कि कुआ है आगे। तो एक बार गाय गिर गई थी उसके अंदर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर गाय गिर चुकी है, और सीरियसली गिर भी हो गई क्योंकि पता ही नहीं चलता ना, इंसान लोग को नहीं पता चलता गाय को कहाँ से खाना पड़ेगा। तो देख सकते हो अभी हम लोग खेत के अंदर एंट्री ले रहे हैं, हाँ वो देखो चले जाते हैं आगे से, मेरे हाथ में पिलर और तार है। यहाँ से ही जाना पड़ेगा भाई काटों में से, पर काटे बहुत है देख सकते हो काटे ने, इसे करके ब्लॉक करो मेरी आंखों में वो आ रहा है लाइट, तो भी दिख भी नहीं रहा मेरे को, तो कहीं ना फूकना जाए उसके लिए थोड़ा बहुत। बहुत ही ज़्यादा गहरा अंधेरा है, लाइक हॉरर मूवी, ऐसा लग रहा है कोई हॉरर मूवी की तरह एकदम सीरियसली काटा है। वाइल्ड लाइफ जैसा लग रहा है, वाइल्ड लाइफ में तो ये जाली है, ये हमारा खेत है इधर, ये इधर हमारा खेत है, तो इधर है कुआं, मैं आपको दिखाता हूँ रुको आगे जाके, लाइक एडवेंचर जाली लाना है, जाली लेने जाते। मैंने जैसे कि बोला कि मैं अपने ऊपर लाइट रखूँगा ऐसे शूट करूँगा तो मेरे को दिखेगा नहीं, और कांटों में पैर चले जा रहे हैं, चला गया पैर, जाली भूल गया कि जिस काम के लिए आए जाली इतनी भूल गए। देखो इधर पड़ा है ये जाली, इधर पड़ा है आम गुंडा बनेंगे हम लोग। मेलो ताला ताला बाद में लगेगा, वापस चलते हैं, सीरियसली बोल रहा हूँ कुछ नहीं दिख रहा है, अभी मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। अभी यहाँ पर दो रास्ते हैं ना, तो इसके लिए हम लोग वो वाले रास्ते हैं, इधर बंद है रास्ता ही, मतलब यहाँ से कोई आता नहीं, अभी पहले बहुत आते थे हम लोग, बट कुछ पाँच सालों से हम लोग यहाँ से नहीं आ रहे, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने रास्ता बंद कर दिया, कांटे डाल दिए ऐसे ऐसे। तो एक जो ओरिजिनल रास्ता है वो ये है, तो यहाँ से हम लोग नहीं आए अभी, हम लोग वो रास्ते से पीछे वाले रास्ते थे, बस ऐसे ही मन किया वाइल्ड लाइफ थोड़ा एडवेंचर कर लेते। तो यहाँ देखो ऐसे जाली बांध रहे, मजबूत बांध रहे हैं, तो नीचे दौड़ो ना उसे देने दे, अरे डे ना उड़ जाओ, लार देख लाइट ना आगे बैठे जाली का तार पिटे, अरे तार वहां में ये लोग मत, हां यही से यही से, हां बात देवे ना, तो वो बेटा यही से तार, तार वही के बांध तार पिटे उड़े एक और कांटा वाला कोई। तो भाई साहब आपको मैं टूल्स के बारे में बताता हूं, इसको खोजार बोलते हैं, देखो ये है ना, ये इसको बोलते हैं हम जेवा, ये देखो इतना वाई की जैसा रहता है कुछ इतना लंबा, देखो तो इसको बोलते हैं जेवा, हमारी भाषा में बोलते हैं मारवाड़ी में जेवा। किसके लिए यूज़ करता है आपको बता दूँ, जैसे कि ये सब काटे ना बड़े बड़े, कोई भी बड़े काटे यहाँ से लेके वहाँ, क्योंकि उसमें काटे लगते नहीं, हम लोग दूर से पकड़ के उठा के किधर भी डालना है रखना है, तो इससे काम हो जाता है। 5 minutes later भाई देखे काम शायद हो गया, थोड़ा बातचीत चालू है, मैंने क्या क्या जुगाड़ निकाले बहुत देर, साथ में बम्बू भी लेके आए, अगर कोई मिल गया चोर फिर तो बजाने के लिए सही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ एक ये इससे काम तो हो जाएगा, अगर कोई मिल गया ऐसा चोर, मतलब इधर गाँव में वैसे तो बहुत चोर आते हैं, आपको पता है नहीं पता है, बट गाँव में बहुत चोर आते हैं, ज़्यादा करके आई थिंक राजस्थान में आते हैं, तो चोर ऐसे आते हैं कि पता भी नहीं चलता कि चोर है कि नहीं। काटा वीटा हटाने के लिए या फिर कोई जाली दबाने के लिए इसके लिए निकले, बाकी तो ये उसके लिए भी काम आ जाएगा, उसकी भी टेंशन मत लो, बाजू में ही होने ही वाला है, थोड़ा सा ही बाकी है। और या क्या था रे,
फिर लेपर्ड एक बड़ों का पता नहीं चल के जाएगा, लेपर्ड बहुत होते हैं और सांप भी होते हैं आजकल। वो जाली हम लोगों ने बांध लिया तो वो हम लोग जा रहे हैं घर पे, थोड़ा वो आदमी को बता रहे हैं खेत जिसको इजारे देने वाले। और जो यहाँ पर देखो ये जो कूड़ा है ना, नहीं उस जाली में कंफ्यूज हो गया, वो जाली ना इधर नहीं लगाना था, ये देखो इधर जो खाली है इधर जाली नहीं लगा हुआ है, आप दिखा देता हूँ आपको रुको एक मिनट, इधर जाली नहीं लगा हुआ है आप देख सकते हो, तो वो जाली उधर लगाना था, मेरे को लगा कि इधर लगाना है। हाँ तो इधर इधर ना कांटे डाल दिए तो कोई घाय या फिर ऐसा कोई अंदर ना गिर सके। और भाई तो ये जो कुआ है ना कितने सालों से, जब से मैंने देखा है ना आई थिंक इसको 15-10 साल से मैं देख रहा हूँ, ये कुआ सूखा हुआ है अभी तो, इसमें पानी नहीं है, अभी दिखेगा नहीं बट इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, सूखा कुआ है ये, पता नहीं इसके अंदर ज़मीन कैसे पानी क्यों नहीं निकल रहा। सो लेट्स गो टू द होम गाइस। तो अभी अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं। Five minutes later. बस फाइनली घर पे आ चुके, तो अभी चलते और जाके सोनते। भाई माता बैठी इधर थी, दिख रही नहीं दिख रही। सो या चलो घर पे चलते हैं, गेट बंद कर देते हैं।